हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। और इसको मैं प्यार से बोलूँगा संकट मोचन। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है बेटा। देखो, संकट मोचन क्यों बोल रहा हूँ, उससे पहले आप समझो कि आपको करना क्या है। आपको ऑलवेज 1 डिग्री एमिल लेना है। कौन सा? 1 डिग्री, क्योंकि हमें नंबर 1 ला करके दिखाना है, राइट? क्या ऑल इंडिया रैंक? तो 1 डिग्री एमिन लेना हमें। 1 डिग्री एमिन की पहचान आप कैसे करेंगे? तो अमाइन के केस में ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। नाइट्रोजन अगर एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, एक ही कार्बन से उसका कनेक्शन है, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। जबकि अदर फंक्शनल ग्रुप में डिग्री दूसरे तरीके से डिफाइंड होती है, जैसे अल्कोहल के केस में या हैलोजन के केस में, कि वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वहाँ पे अलग तरीके से होती है। बट नाइट्रोजन के केस में डिग्री वेरी सिंपल है कि नाइट्रोजन का कनेक्शन कितने कार्बन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नाइट्रोजन का कनेक्शन सिर्फ एक ही कार्बन से, इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, इस नाइट्रोजन का कनेक्शन सिर्फ इधर वाले कार्बन से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री आपको अमाइंस लेना है, और उसकी रिएक्शन किससे कराना है आपको, डैट इज़ वेरी सिंपल, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरूरी नहीं है कि ये रिएजेंट आपको दे, मैन थिंग इज कि HNO2 बनना चाहिए या HNO2 होना चाहिए, नाइट्रस एसिड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी रिएक्शन से नाइट्रस एसिड आ जाएगा, राइट? तो आपको रिएजेंट ऐसे भी दे सकता है NaNO2HCl, या सिर्फ HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ऐसे दे दे, या फिर HNO2HCl, इस टाइप से कुछ भी दे दे। मैन पॉइंट इज कि नाइट्रस एसिड आना चाहिए। नाइट्रस एसिड, मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, नाइट्रस एसिड एंड 1 डिग्री अमाइंस, ये दोनों जैसे ही मिले तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा डैश, जिसका नाम है संकट मोचन। क्या है? संकट मोचन, डैट मीन्स डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस अदर प्रोडक्ट में NaCl और वाटर आपको मिल जाएंगे। तो इसको संकट मोचन क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है जो आपको पता लगेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ये है कि ये एक कलरलेस सॉलिड है, राइट? और वाटर सॉल्युबल है, वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि सॉल्ट है, एंड अनस्टेबल है। ध्यान से देखो, जो टेम्परेचर की बात की है कि ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी, जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डेट मीन्स 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, क्योंकि थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये जो NN है, राइट, N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे, और यू नो नाइट्रोजन वेरी वेरी स्टेबल गैस है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर को लो रखना है, तभी ये जा करके ये बनेंगे। सिमिलरली अगर ये जो मैंने लिया है, ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक वाला कंपाउंड लिया है, तो एरोमेटिक में भी चलेगा 1 डिग्री में, और एलिफैटिक अगर हो तो उसमें भी ये चीज़ें वैलिड हैं। डैट मीन्स 1 डिग्री अमीन चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, ओनली थिंग इज कि 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। उसकी रिएक्शन अगेन आप NaNO2 और HCl से कराओगे, तो अगेन आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा एंड NaCl वाटर बाय प्रोडक्ट होंगे। तो हमें करना क्या है, वो चीज़ क्लियर हो चुका है कि कहीं पे भी 1 डिग्री अमाइंस आपको दिख गया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, आपको क्या कर देना है, डायरेक्टली डाइजोनियम सॉल्ट बना देना है, वो बना करके रख लेना है। अब इसको हम यूज करेंगे जंग में, कैसे? तो वो देखो, तो देखिए मैंने क्यों इसका नाम संकट मोचन रखा है। ध्यान से देखो कि इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। PHN2+X- ऐसे दिखा सकता है, AR मतलब अराइल ग्रुप को, आर्गन नहीं है ये, अराइल ग्रुप, डेट इज बेंजीन एक्चुअली, N2+X-C6H5N2+X-, इस टाइप से दे सकता है। इन सब का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, ये आपका स्ट्रक्चर है। डैट मीन्स ये सब का मतलब बेंजीन रिंग है, और N2+ नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, औकात जितना था उतना बना लिया, इसलिए इस पर प्लस, तो उस प्लस के साथ ये X- आपका अटैच है। तो देखो, जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का फंडा या कंसेप्ट या ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, ये जो NN है ये वाले N2 को बाहर कर देना। आप ही सोचो, अगर ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर चला गया तो N2 गैस वेरी स्टेबल है, राइट? यू नो कि एटमॉस्फेयर में 78% तो यही है। तो N2 बाहर चला गया, तो अब ध्यान से देखो, N2 कैसे बाहर गया, ये वाले बॉन्ड को ले करके गया वो,
तो ये कार्बन पे यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लस। यहाँ पे क्या आ चुका है, सिंपल सी बात, प्लस। जस्ट एज्यूम करना है, ध्यान दो। जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो अब आपका काम क्या है कि जो भी रिएजेंट लिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे रिएजेंट ले रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि इतना ही है, कुछ भी हो, आपको बस उसमें क्या देखना है कि अगर इस पे प्लस आ गया तो इसका निगेटिव पार्ट को आपको सर्च करना है। जैसे इस केस में निगेटिव पार्ट आपको क्या मिलने वाला है, Cu2X2 में X माइनस मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, Cn माइनस निगेटिव पार्ट। यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, X माइनस निगेटिव पार्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, I माइनस निगेटिव पार्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H प्लस बी एफ फोर पे माइनस, राइट, क्योंकि H पे प्लस होगा, बी एफ फोर पे माइनस, ये मिल गया। यहाँ पे आपको बाय द वे बताऊंगा, यहाँ से हाइड्रोजन हमें मिलेगा एक तरीके से H माइनस वीकेन से, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से। वाटर में H प्लस और OH माइनस। तो मेरी बात को समझ रहे हो कि आपने क्या किया, निगेटिव वाले सारे को आइडेंटिफाई कर लिया, जो भी रिएजेंट गिवन है निगेटिव वाले को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, किससे, डाइजोनियम से। आप खुद ही सोचो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मैं एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एक्स, तो क्या बन गया, ये हेलो बेंजीन बन गया, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ पीएच सी एन, बेंजीन पे सी एन आ जाएगा। यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, पीएच एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पीएच आई, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पीएच बी एफ फोर, राइट। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पीएच पे एच आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, डैट मीन्स आपका बेंजीन बनकर के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच ओएच, डैट मीन्स फिनॉल। ये पीएच समझ रहे हो, ये सब बेंजीन है जो मैंने यहाँ बना रखा है, राइट, सब बेंजीन है। तो फंडा समझ में आया, देखो बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट है और ऐसे आप 100 रिएक्शन याद रख सकते हो बिना किसी एफर्ट के। सिंपल कि डाइजोनियम जहाँ भी दिखेगा N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, बेंजीन वाले कारण पे प्लस आएगा, जस्ट एज्यूम करना है, और वो अगर प्लस है तो हमें जो भी रीजन गिवन उसमें माइनस सर्च करना और उस माइनस को वहाँ पे अटैच कर देना, वही काम हमने किया, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है सर, तो डैट्स वेरी इजी, और ध्यान से देखो, अगर आपने कॉपर प्लस वन वाला उठाया, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस वन। अगर कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उससे हैलोजन लाइक Cl लगा हुआ है, Cu2Cl2, Br लगा हुआ है, Cu2Br2, राइट, या CuCn, यहाँ पे भी कॉपर आपका प्लस वन में, तो अगर ये होंगे तो इस रिएक्शन का नाम एक स्पेशल नेम हो जाएगा, और इस स्पेशल नेम जो है वो सेंट मेयर रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सेंट मेयर। तो इसलिए रिएक्शन का नेम भी याद रखना इजी है। अगर कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपने, तो उसकी रिएक्शन अगर डाइजोनियम से कराएंगे तो नाम हो जाएगा सेंट मेयर रिएक्शन। और वहीं पे अगर कॉपर आपने पाउडर फॉर्म में लिया है, डैट मीन्स कॉपर यहाँ पे कैसा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका नाम हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, गैटरमैन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, कॉपर प्लस वन में तो सेंट मेयर कॉपर ही होगा, लेकिन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो गैटरमैन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे आपका आयोडाइड आ गया, आयोडीन आ जाएंगे, राइट। N2 ये वाला जो था, N2 जो प्लस था, X माइनस की जगह आपका आ जाएगा बी एफ फोर माइनस वाला, राइट। तो ये पहले बनेंगे, तो ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, इसको जब आप हीट करेंगे, ध्यान दे ये स्टेबल है, डाइजोनियम स्टेबल नहीं है, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, और इसको जब आप हीट करोगे तब आपको मिलेगा पीएच है फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो फास्फोरस है आपका H3PO2, राइट, तो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड है, जो हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो इससे आपको हेच मिलेगा, इसलिए इस प्लस की जगह आप क्या कर देंगे, हेच माइनस ऐड कर देंगे, तो बेंजीन, कभी भी बेंजीन बनाना हो तो ये एक बेस्ट मेथड है। और फास्फोरस का क्या होगा, तो ये H3PO3 फास्फोरस एसिड में चला जाएगा, राइट।
और सिमिलरली अगर ये अल्कोहल लोगे तो भी इससे H मिल जाएंगे और खुद अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएंगे, अल्डिहाइड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाय प्रोडक्ट में, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपने फॉस्फोरस वाला कंपाउंड लिया राइट, तो फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, और अल्कोहल लिया तो अल्डिहाइड में वो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको बेंजीन मिल जाएगा। और यहाँ से वो अच्छा, तो ये आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ध्यान से देखो क्या हुआ पूरे चीज़ में, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि सर ने जितना ले रखा उतना ही है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। ओनली थिंग इज कि आपको प्लस आइडेंटिफाई हो गया है, माइनस को आइडेंटिफाई कर करके लगा देना है। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, संकट मोचन। कि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो, ध्यान दो मेरे पॉइंट पे, कि बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको अटैच करना हो, तो बेस्ट मेथड यू कैन से कि आपके पास डाइजोनियम वाला बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि डाइजोनियम बना करके जो ग्रुप लाना आप ला सकते हो। जैसे किसी को अगर इसमें क्यूरियोसिटी हो रहा हो कि सर एसिड ग्रुप कहाँ से लाएंगे, अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ से लाएंगे, तो भाई ये बना लिया ना साइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड ग्रुप आ जाएगा राइट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, पार्शियल रिडक्शन करो, तो अल्डिहाइड आ जाएंगे। तो बेंजीन रिंग पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाना हो, सबसे बेस्ट मेथड है आपका संकट मोचन वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एलिफैटिक हो तो क्या करेंगे। अभी तक हमने जो बताया था एरोमेटिक बताया था राइट आपको, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिक में ही रिएक्शन होगी, एलिफैटिक दैट इज ओपन चेन में भी रिएक्शन हो जाएंगी राइट। और इसलिए मैंने इसका नाम संकट मोचन रखा है कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लाना है वो तो ला ही सकते हो, और आप एलिफैटिक में भी काम करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, बट ओनली कंडीशन इज कि 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। यहाँ से ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है। ध्यान दे नाइट्रोजन कितना कार्बन से, और ये क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो इसलिए ये सब 1 डिग्री अमाइंस है। इसकी रिएक्शन जैसे NaNO2HCl से कराए, तो पहला आपका काम क्या होगा, जस्ट बता दे रहा हूँ आपको, सब कुछ वैसे ही रहने देना है राइट। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, N2+ और आपका X- मतलब Cl- अगर आप चाहो तो Cl-। डाइजोनियम पहले केस में बना देने इसकी वजह से राइट। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ध्यान से देखो, जब आप CuCN से रिएक्ट कराएंगे तो पहले तो ये क्या होगा, N2 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो पहले तो आप क्या करेंगे, कार्बोकटायन बना लेंगे राइट। ये प्लस आ चुका है, अब यू नो कार्बोकटायन शिफ्ट भी होते हैं, रीअरेंज भी होते हैं, तो आपको रीअरेंज करना है। तो फिर ये प्लस आपका यहाँ चला जाएगा राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद इसका माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CN। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि इससे इजीली कार्बोकटायन भी बन सकते हैं, और कार्बोकटायन अगर बन गए तो फिर वो रीअरेंज होकर के फिर उसके बाद माइनस को आपको अटैच करना है, इसलिए मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया। सिमिलरली अगर इस केस में देखें तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है, कि आपका वही चीज़ आपको क्या करना है, N2+ X- बना देना है राइट। ये आपका बन गया डाइजोनियम। अब उसके बाद जो भी, इसलिए मैंने इन जनरली, अब जो भी A+ और B- राइट, जो भी आप रिएजेंट लेंगे तो उसका कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा राइट। उसमें कुछ प्लस पार्ट होंगे, कुछ माइनस पार्ट, तो आपको मालूम है कि ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस पार्ट राइट। और जो रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंज कर करके यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, डायरेक्ट में बता दिया। उसके बाद इसका माइनस वाला पार्ट आप क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो आपको यहाँ पे बी लगा देना। इस इन जनरल लिया कोई भी रीजन ले लो, उसका माइनस आइडेंटिफाई करके आप लगा दो। जैसे H2O लोगोगे तो OH वहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ बच्चे इसको 3 डिग्री अमीन मान लेते हैं, नहीं, अमाइंस के केस में कैसा है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से, ये अभी भी 1 डिग्री है, तो पहले केस में तो आपको मालूम है कि क्या बनने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाला है राइट। तो ये यहाँ पे आपका N2+ और X- बन जाएगा, और थोड़ा सा भी हीट किए तो आपको मालूम है ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी हीट किए तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अभी ये कार्बोकटायन यहीं पर स्टेबल है, तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे NaO- वो आपका इस पर आ जाएगा राइट, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो बेंजीन रिंग पे जो था वो था, वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, ये ध्यान रखना, वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है वहीं पे वो ग्रुप आकर के अटैच हो रहा था। यहाँ पे आपको एलिफैटिक वाले में केयरफुल रहना है,
पहले तो डाइजोनियम बना लेना है, वो निकालने के बाद आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। कार्बोकैटायन बनने के बाद आपको देखना है कि वो रीअरेंज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो रीअरेंज करो, फिर जा करके न्यूक्लियोफाइल को अटैच करो। नहीं होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे। तो अब हम जाते जाते ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है, एक तो वो रिएक्शन आपने देखा जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर चली गई थी, एक वो केस वाली रिएक्शन भी होती है जहां पे नाइट्रोजन रिटेन होते हैं। इसलिए हमने लिखा है रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। डाइजो ग्रुप अब बाहर नहीं जाएगा, डेट इज एन टू गैस बाहर नहीं निकलेंगी, या उसी को कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने ये डाइजोनियम सॉल्ट लिया, अगर इसकी रिएक्शन मैं फिनॉल से करा रहा हूँ, किससे? फिनॉल से। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, OH- मतलब बेसिक मीडियम क्रिएट कर देना, और इसको देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट? Na2CO3 दे दिया तो भी वो बेसिक मीडियम ही हुआ। तो बेसिक मीडियम में फिनॉल की रिएक्शन अगर डाइजोनियम से कराओगे तो फिनॉल के पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन है ये वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ से निकल करके आपका N डबल बॉन्ड N आ जाता है। इसी को बोलते हैं एजो। जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। तो आपको क्या मिल गया? पैरा पोजीशन पे ये, राइट, इसके रेस्पेक्ट में पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई, यू कैन से ऑरेंज डाई। तो याद कैसे रखेंगे? वेरी सिंपल, देखो फिनॉल में ओ आ रहा है, राइट, OH है, ओ आर आर, और ओ से ऑरेंज, अगर किसी को कलर याद रखने में दिक्कत हो। तो जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराओगे तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलेगा, डैट मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होंगे, एजो ग्रुप बन जाएगा, और इसका कलर ऑरेंज डाई होगा, राइट? पैरा वाले हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सेम उसी तरीके से अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन कराओगे और अगेन बेसिक मीडियम, तो अगेन एनिलीन के पैरा वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा और एन डबल बॉन्ड एन, डैट इज एजो ग्रुप आ जाएंगे। नाम इसका हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। तो ये दोनों कलर भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है। तो जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल या एनिलीन बेसिक मीडियम में कराओगे तो रिएक्शन थोड़ा हटके होगी। हटके मतलब जो एजो ग्रुप है वो आपका मेंटेन होगा, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, पैरा वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नाउ सेकेंड पॉइंट, डेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसकी रिएक्शन HBF4 से करा लो। ध्यान दो, कभी भी बेंजीन पे अगर आपको फ्लोरीन लाना हो वाया डाइजोनियम तो ऐसा नहीं कि आप HF ले लोगे तो हो जाएगा, आपको HBF4 लेना पड़ेगा जिसमें H+ BF4- है। तो पहले केस में रिएक्शन तो कैसे होगी कि आपका ये HCl से चला जाएगा और ये माइनस वाले से, मतलब कैटायन एनायन के एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये मिलेगा। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये वाटर इनसॉल्युबल है और स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होने की वजह से अभी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि अदर केस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट N2 गैस बाहर चली जाती थी और जो उसका निगेटिव वाला पार्ट होता था वो बेंजीन पे लग जाता था। लेकिन इस केस में आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन के केस में आपको अभी यहाँ तक प्रोडक्ट मिलेंगे और ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। फर्दर अगर आपने हीट किया तब जाकर के चेंजेज आएगा, सिर्फ हीट कर दिया तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, तब आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और इसका जो एक F तो आ गया, दूसरा प्लस BF3 बाय प्रोडक्ट तो आप संभाल लोगे वो चीज़ें। बट अगर आपने सोडियम नाइट्राइड के प्रेजेंस में हीट किया और कॉपर आपने एज ए कैटलिस्ट ले रखा है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर अगर हीट किया तो फिर आपका बेंजीन रिंग पे कौन आ जाएगा? NO2 नाइट्रो बेंजीन आपको मिल जाएगा। और एक बार नाइट्रो बेंजीन मिल गया तो फिर इसको रिड्यूस कर दोगे तो एनिलीन बन जाएगा और एंड सो ऑन। तो आपको पहली बता रखा हूँ कि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो तो हम इजीली डाइजोनियम से ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? संकट मोचन। और पॉइंट नंबर 3 ज्ञान की बात में ये है कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट लिया आपने और उसकी रिएक्शन H3PO2, राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। उससे अगर कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है P डबल बॉन्ड OH
और इसके पास दो हाइड्रोजन हैं जो डायरेक्टली पी से अटैच है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से आपको H मिलेगा, इसलिए आपको बेंजीन रिंग मिल जाएंगी, राइट। प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग मिल जाएंगी। N2 गैस बाहर चला जाएगा। खुद इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो, खुद ये प्लस वन में था, यहाँ से ये कहाँ पे आ गया, प्लस थ्री में, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये ध्यान रखना है, एक तरह से ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप भी हो गया। सिमिलरली अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप अल्कोहल से कराएंगे तो इन दैट केस अगेन अल्कोहल का आपको हेच मिल जाएगा, राइट, और N2 गैस बाहर चले जाएगी। खुद अल्कोहल का क्या हुआ, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, डैट मीन्स ये भी एक तरह से क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये पॉइंट सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। वैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराओगे 283 केल्विन देख सकते हो, जो कि रूम टेम्परेचर से भी कम है, क्योंकि यू नो कि डाइजोनियम अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हीट कर दोगे, अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो फिनॉल मिल जाएगा आपको, N2 गैस बाहर चली जाएगी। तो आई होप ये संकट मोचन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, और आप देख सकते हो कि मेरे अगर वीडियो लेक्चर को आपने सही से फॉलो किया तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको या नीट के एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता है क्वालिफाई करने से। डैट मीन्स अगर मेंस का दे रहे हो तो 75 प्लस गारंटीड है, और अगर नीट का दे रहे हो तो 150 प्लस आपका गारंटीड है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो करते हुए आप उसको सीख जाएं तो। थैंक यू।